को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जनवरी तक सीट शेयरिंग सुलझाने की बात कही, लिहाजा बिहार में 40 लोकसभा सीटों को कैसे बांटा जाए इस पर मंथन शुरू हो गया है। दरअसल अभी जेडीयू के 16 सांसद हैं और जेडीयू चाहती है कि कम से कम 16 सीट तो मिले ही। पिछली बार जब जेडीयू एनडीए के साथ थी तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 16 पर उसे जीत मिली थी। अब की बार बिहार महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, ऐसे में सीट शेयरिंग को सुलझाना मुश्किल टास्क है, क्योंकि बिहार में विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में आरजेडी की चाहत होगी कि कम से कम जेडीयू जितनी सीट जरूर मिले, यानी 16 सीटें उसे भी मिले। ऐसे में दो पार्टियों को मिलाकर 32 सीटें ब्लॉक हो जाती हैं। बाकी 8 सीटों पर 5 पार्टियां दावेदार हैं, इनमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी 10 सीटों पर तैयारी बेहतर है। हालांकि महागठबंधन की सभी पार्टियां कुछ सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने एक लाइन में कहा, पूरे देश के अंदर में, उसमें बिहार भी है, जो पार्टियां मजबूत है, जो नेतृत्व कर रही है, वो निश्चित तौर पर उस हिसाब से उन सभी पार्टियों को तवज्जो देगी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतें, ये हमारा उद्देश्य है। अभी कोई फार्मूला इस तरह का तय हुआ नहीं है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि गठबंधन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि कहाँ कौन पार्टी वर्तमान स्थिति में जीत सकती है, उसको वहाँ सीट दे दिया जाए। यह न कि ये देखा जाए कि हमारा ये सीटिंग है इसलिए इस सीट पर हम ही लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि इस तमाम बातों का ख्याल गठबंधन के जो बड़े नेता हैं ये लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जीतने वाले जो नेता हैं या जीतने वाले जो सीट हैं जिन पार्टियों के हक में बेहतर है, उनको वो सीट मिल जाना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 2024 में उभर करके सामने आए। देखिए, माले की सीट शेयरिंग के लिए जो दावेदारी है उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से हमारे जो महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य जी कॉमरेड, वो अधिकृत है। तो चल रही है बातचीत, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी प्रतिबद्धता है गठबंधन की एकता की, एकाग्रता की, एकजुटता की, और यकीनन सीट शेयरिंग समानुपातिक भाव से, आनुपातिक भाव से हो जाएगी। जो अभी 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसका ओरिएंटेशन यही है। एक तो ये बात तय है कि बिहार में 40 सीटों पर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन या इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट होगा, इस पर सबकी सहमति है। और बहुत ही जल्द हम लोग सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय कर लेंगे, ये भी बात हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक संयोजन समिति भी बना है, माननीय नीतीश कुमार जी भी उसमें हैं, और बिहार में उसको कैसे करना है यहाँ की तमाम पार्टियाँ बैठ करके इस पर विचार कर लेगी। हमारी पार्टी की तरफ से भी जो एक सूची है वो गया हुआ है, वो पहले से ही आप लोग की नज़र में है, मीडिया में आया है। वो पूरा राजनीतिक परिदृश्य बिहार का बदल गया है। अब पिछले साल अगस्त के बाद की अब सत्ता में राजद कांग्रेस है और बीजेपी विपक्ष में है, तो अब सीट का बंटवारा हो गया है। तो आपने देखा कि एक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस 10 सीट की दावा कर रही है, माले को एक भी सीट नहीं है लेकिन जनाधार है उसके, 12 उसके MLA हैं, 2 सीट तो उसकी बनती ही है, इसलिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। इस हिसाब से भी आप देखेंगे, लेकिन खैर अब तो आप तब कहेंगे कि राजद को अभी 80 विधानसभा यदि विधायक हैं तो उसके हिसाब से उनकी कितनी सीट बनेगी, 13 सीट उसकी बनती है। और जदयू की 16 जीती हुई सीटें हैं और विधायक हैं 43, तो उनके लिए कितना बनता है, 7 सीट बनती है। एक स्थिति जब भी कोई बंटवारा होता है तो असेंबली एक आधार होता है।